नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ सागर काछडिया वेद डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे वात करीशुं धोरण 8 विषय गणित चेप्टर नंबर 11 जेनुं नाम छे मापन। तो आपणे धोरण 7 मां शीखी गया एज प्रमाणेना सूत्र मुजबथी आपणे दाखलाओ गणवाना छे। तो फरीवार आपणे एकवार रिविजन करी लईए धोरण 7 ना सूत्रोनुं। लंबचोरसनुं क्षेत्रफळ, चोरसनुं क्षेत्रफळ, परिमिति वगैरे वस्तु जोई लईए फरी एकवार। हवे तमने आपेलुं छे लंबचोरस। हवे तमारे लंबचोरसनुं क्षेत्रफळ शोधवुं होय तो क्षेत्रफळनुं शुं छे? लंबाई गुणिया पहोळाई। लंबचोरसनुं क्षेत्रफळनुं सूत्र शुं छे? लंबचोरस माटे क्षेत्रफळ शुं थाय छे? लंबाई गुणिया पहोळाई। ज्यारे एनी परिमिति शुं बनशे? 2 गुणिया लंबाई प्लस पहोळाई। हवे चोरस छे तो चोरस माटे शुं बने छे? क्षेत्रफळ। लंबाई गुणिया लंबाई अने परिमिति बने छे 4 गुणिया लंबाई। हवे आवेलुं त्रिकोण। त्रिकोणनुं क्षेत्रफळ शुं थाय? 1/2 पायो गुणिया वेध। अने जो समबाजू त्रिकोण होय तो 3 ने 3 बाजूनो सरवाळो, नहीतर पहली बाजूनुं माप वत्ता बीजी बाजूनुं माप वत्ता त्रीजी बाजूनुं माप। त्यारबाद समांतर बाजू चतुष्कोण। हवे समांतर बाजू चतुष्कोण छे एनुं क्षेत्रफळ शोधवुं होय तो मारी पासे सूत्र शुं आवे एनुं? आधार गुणिया ऊंचाई। એટલે एक प्रकारनो केवो गणवानो तमारे लंबचोरस, तो एनी परिमिति पण शोधवी होय तो केवी मळे? 2 गुणिया लंबाई प्लस पहोळाई। त्यारबाद आगळ छे वर्तुळ। वर्तुळनुं क्षेत्रफळ शुं आवे? वर्तुळ माटे आपणे क्षेत्रफळनी वात करता होय तो वर्तुळनुं क्षेत्रफळ મળશે મને πr નો વર્ગ। पण जो તમારે એની પરિમિતિ એટલે કે પરિઘ શોધવો હોય તો વર્તુળનો પરિઘ થશે 2πr। टूंकमां क्षेत्रफळ एटले वच्चेनो जे घेरायेलो भाग अने परिमिति अथवा तो परिघ कहे तो एनो फरती बाजूनो भाग। हवे आपणे जोईए स्वाध्यायना दाखलाओ। स्वाध्याय 11.1 दाखला नंबर 1। अहीं आकृतिमां एक चोरस अने लंबचोरस छे। खेतरना माप आपेला छे तो आ बंने खेतरनी परिमितिओ समान छे तो कया खेतरनुं क्षेत्रफळ वधारे हशे? तो अहींया तो मारे पहेला तो शुं शोधवानुं छे? बंने खेतरमांथी परिमिति शोधवानी छे। हवे आनी परिमिति तो मने मळी जाय 4 गुणिया बाजूनुं माप, पण अहींया परिमिति शोधवा माटे मने शुं जोईए छे? लंबाई ने पहोळाई। खाली लंबाई आपेली, पहोळाई मने परिमिति उपरथी मळशे। तो अहींया रकम प्रमाणे शुं लखी शकाय? चोरसनी परिमिति बराबर लंबचोरसनी परिमिति। चलो, चोरसनी परिमिति बराबर लंबचोरसनी परिमिति। हवे केवी कीधी परिमिति समान छे? हवे चोरसनी परिमितिनुं सूत्र मारी पासे छे 4 गुणिया लंबाई। त्यारे लंबचोरसनी परिमितिनुं सूत्र शुं आवे? 2 गुणिया लंबाई वत्ता पहोळाई। चलो, 4 गुणिया लंबाई केटलुं माप छे चोरसनुं? 60। तो 4 गुणिया 60 बराबर 2 काउंस में लंबाई कितनी तमने आपेली छे? 80। तो 80 प्लस पहोळाई 6×24 बराबर 2 गुणिया 80 प्लस पहोळाई। चलो, 2 गुणाकार में बाजू आए तो भांगाकार में तो 240/2 बराबर 80 गुणिया पहोळाई वत्ता पहोळाई। चलो 12 दू 24 ने पाछळ जीरो एटले 120 बराबर 80 प्लस पहोळाई। हवे पहोळाई ने सूत्र नो करता बनावो तो पहोळाई बराबर 80 प्लस तो आ बाजू आवे तो माइनस तो 120 माइनस 80 तो पहोळाई बराबर केटला मळशे मने पहोळाई बराबर 40। पण एकम शुं आवशे मारा बधा माप सेमा आपेला छे अहींया मीटर मां तो एकम पण शुं आवशे मीटर। हवे शुं कीधुं मने के कया खेतरनुं क्षेत्रफळ वधारे छे तो आपणे तो पहेला वात करीए चौरसनुं क्षेत्रफळ। पेलू चौरसनुं क्षेत्रफळ एटले के चौरस जे खेतर छे एनुं क्षेत्रफळ बराबर लंबाई गुणिया लंबाई। लंबाई केटली छे 60 गुणिया 60 6 गुणिया 6 एटले 36 ने पाछळ 2 जीरो तो 3600 मीटर स्क्वेर। आ थई गयुं चौरस माटेनुं। हवे बीजुं लंबचौरसनुं क्षेत्रफळ। लंबचौरसनुं क्षेत्रफळ बराबर शुं थशे लंबाई गुणिया पहोळाई। चलो लंबाई केटली छे 80 पहोळाई तमने केटली मळी 40 8 चोक 32 ने पाछळना 2 जीरो तो केटलुं थई गयुं 3200 मीटर नो वर्ग। तो बंनेमांथी कोनुं क्षेत्रफळ वधे छे चौरसनुं तो लखवानुं बन्ने खेतर मांथी चौरस खेतरनुं क्षेत्रफळ। बन्ने खेतर मांथी चौरस खेतरनुं क्षेत्रफळ वधारे छे। केवुं छे वधारे छे। हवे आगळ वात करीए दाखला नंबर 2 के श्रीमती कौशिक नो आकृति में दर्शाव्या मुजब नो प्लॉट है। बाजू में श्रीमती कौशिक नो आकृति में दर्शाव्या मुजब नो एक प्लॉट आपेलो है। चलो हवे आ प्लॉट तमने आपेलो है। हवे शुं कीधुं छे के ते प्लॉटनी मध्य में मकान बनावा मांगे छे एटले के आ मकान छे ए बनावा मांगे छे ज्यां मकान लिख्युं त्यां मकानने फरते बगीचो विकसावेल छे अने जे फरती बाजू छे ए शुं छे बगीचो छे। तो बगीचो विकसाववानो खर्च 55 रुपया प्रति चौरस मीटर होय तो मकाननी फरते बगीचो विकसाववानो कुल खर्च शोधो। तो पहला तो अमारे शुं करवुं पड़े आ मकाननुं क्षेत्रफळ शोधवानुं त्यारबाद कुल जमीननुं क्षेत्रफळ शोधवानुं। हवे कुल जमीनना क्षेत्रफळमांथी आ मकानना क्षेत्रफळने बाद करीश एटले मने शुं मळशे आ बगीचानुं क्षेत्रफळ। चलो पहेला तो आपणे कुल जमीननुं क्षेत्रफळ शोधी लईए तो कुल जमीननुं क्षेत्रफळ। जमीन तमारी लंबचौरस छे तो लंबाई गुणिया पहोळाई। लंबाई 20 अने पहोळाई सॉरी अपने कुल जमीन तो लंबाई ने पहोळाई एटले लंबचौरस के चौरस बेनो माप केवुं आवशे लंबाई गुणिया लंबाई लखू तो पण चालशे ने पहोळाई लखू तो पण चालशे। तो अहींया लखीश चौरस प्लॉट छे तो लंबाई गुणिया लंबाई एटले के 25 गुणिया 25 25 गुणिया 25 5 नो वर्ग 25 ने 2 × 3 6 केटला आव्या 625 क्षेत्रफळ मीटर नो वर्ग। हवे बात करीश मकान नु क्षेत्रफळ। मकान केवुं छे लंबाई ने पहोळाई धरावे तो लंबचौरसनुं क्षेत्रफळ लंबाई गुणिया पहोळाई। लंबाई केटली छे 20 पહોળાઈ કેટલી છે 15 તો 15 દુ 30 એટલે કે 300 મીટર નો વર્ગ આ થયું મકાનનું હવે તમારે શોધવાનું કોનું બગીચાનું તો આ બેને કરો બાદબાકી બગીચાનું ક્ષેત્રફળ બરાબર કુલ જમીનનું ક્ષેત્રફળ माइनस मकानનું क्षेत्रफल बराबर कुल जमीन है तुम्हारी 625 मकानનું છે 300 तो 625 માંથી 300 બાદ કરો એટલે કેટલા વધે બગીચાનું क्षेत्रफल 325 સેમીનો सॉरी मीटर એકમ છે तो બધામાં આવશે મીટરનો वर्ग हवे अहींया तमने मळी गयुं छे के बगीचानुं क्षेत्रफळ केटलुं छे 325 हवे एने बगीचाने विकसाववानो खर्च 55 रूपिया प्रति चौरस मीटर छे तो एक चौरस मीटरना केटला रूपिया छे 55 रूपिया एटले के चौरस मीटर एटले के 1 मीटर स्क्वेर बगीचो विकसाववानो खर्च बराबर रुपया 55 तो माटे केटलो छे बगीचो 325 मीटर स्क्वेर बगीचो विकसावानो खर्च बराबर केटला रुपया हवे मूको त्रिराशि क्रॉस गुणाकार 325 गुणिया 55 325 गुणिया 55 जीरो 25 ना 5 वधी 2 5 दू 10 ने 2 12 नो बगड़ो वधी 1 5 तेरी 15 ने 1 16 नीचे 5 छे એટલે અહીંયા પણ એ જ પ્રમાણે આવશે તો સીધું જ લખી દો 1 6 2 5 5 7 8 7 અને 1 તો બગીચો વિકસાવવાનો કુલ ખર્ચ કેટલો થાય છે રૂપિયા 17875 तो नीचे वाक्य में लखवानो आम मकाननी फरती बाजुए बगीचो विकसाववानो खर्च रुपया कितना था इसे 17,875 रुपया 17,875 थाय छे तो आ साथे तमारो प्रश्न अहींया थाय छे पूर्ण फरीथी मळीशुं नवा प्रश्ने नवा विडियो में थैंक यू जय हिंद जय भारत।